बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूज़। अब हम करेंगे टू का डी पार्ट, ये ही एंड वाला पार्ट है। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। यही भी पहले चार क्वेश्चंस थे जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की, बाकी जो हम नेक्स्ट करेंगे और वो थोड़े से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी होंगे। अब यहाँ उसने ये वाला हमें डेटा दे दिया है और कहता है कि इस डेटा को यूज़ करना है और फार्मूला ये अप्लाई करते हुए कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड करना है। ठीक है, इस फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कॉलम्स की, मज़ीद तीन कॉलम्स की ज़रूरत है, एक एक्स वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों कॉलम्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ और आप भी इसी तरह करें, कैलकुलेटर उठाएं और इन्हें साथ साथ मेरी कैलकुलेट कर लें। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और कैलकुलेट करके फिर रिज्यूम करूंगा। ठीक है, ये देखें बच्चों, यहां मैंने सारे कॉलम्स जितने ये तीनों कॉलम्स हैं तीनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। ये देख लें, इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे और यहाँ देख कर ठीक भी कर सकते हैं। हो सकता है मैंने भी कोई गलती की हो और उम्मीद करता हूँ आपने तो कोई गलती नहीं की होगी। सिग्मा, अब स्पीशन डालकर यहाँ इनके सम्स लिखेंगे। सब के सम्स मैं शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करता हूँ, आपको भी शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना चाहिए। जो दोनों वेरिएबल जो हैं अपने डेटा में कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, इसका मैंने कंप्लीट ब्रीफली जो मैंने वीडियो बनाई है वो 5 के B पार्ट में है। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 14.1 इसका 5 का B पार्ट देखा होगा। 5 के B पार्ट में मैंने एक लिंक दिया है जो 5 के B पार्ट को सोल्व करने के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इनको सोल्व करने के लिए भी वही लिंक यूज़ करें। हो सकता है मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूं, लेकिन आपने 14.1 वीडियो लाजमी देख लेनी है। इसका 5 का B पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट है और बहुत ही प्यारी सी वीडियो है वो वाली। उसमें मैंने जो मेथड बताया शॉर्टकट, मैं उसी मेथड से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा। वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ ही कर लेंगे। ठीक है, ये बच्चों मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं इनके। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे। ये देखिए, मेरा कैलकुलेटर खुद बता रहा है सिग्मा एक्स कितना है, क्योंकि मैंने 5 का B पार्ट ऑलरेडी देख रखा है। आपने भी देखा होगा उम्मीद है। उसको देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस डेटा को कैलकुलेट किस तरह से करना है। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, पुट करके अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला एन है हमारे पास 7, सिग्मा एक्स वाई है ये हमारे पास 50815 माइनस सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास 1243 है इंटू 271 डिवाइड बाय एन एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर 7 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमारे पास 229877 है माइनस सिग्मा एक्स 1243। ये आपने ऊपर से यहाँ से देख लेना है। ठीक है, इसको इंटू कर देना सारे को, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करके एन सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि हमारे पास 11345 आता है मेरे माइनस सिग्मा वाई 271 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सारे पर स्क्वायर रूट डाल देंगे यहाँ से पकड़ कर। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ सारे पर हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब जो भी यहाँ वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वो यहाँ लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेटर पर आपने किस तरह से पुट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट हो सकता है जिससे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो में देख लिया होगा 5 के B पार्ट में, उसमें मैंने बताया किस तरह से आपने कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, मतलब आर को। ये देखिए आर, ये मुझे ऑलरेडी दे रहा है 0.963। अब यहाँ हम खुद निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है 7। चलिए ये मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 50815 माइनस 1243 मल्टीप्लाई बाय 271
अब बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने एंटर करना है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर डिवाइड प्रेस करना, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करना, दो ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, 7 × 229, 877 − 1243 इसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं, फिर ब्रैकेट एक और स्टार्ट करनी है, 7 × 11345 − σy जो कि 271 है इसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट दो बंद करूँगा क्योंकि दो ही स्टार्ट की थी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने एंटर करना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.963। मैंने कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक का फिक्स कर दिया है, आपने किस तरह से फिक्स करना है, 12.2 एक्सरसाइज इसके थर्ड का ए पार्ट देखकर इसे फिक्स कर लेना है 3 डिजिट तक, ठीक है। उसमें मैंने कैलकुलेटर के दोनों मॉडल्स के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।